एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं? इतनी तकलीफें क्यों हैं? इतनी परेशानियां क्यों हैं? तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है? उसने कहा, मैं अपने कितने दुख आपको बताऊं? मेरी पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। जो मेरे रिश्ते हैं, उन रिश्तों से भी मैं दुखी हूँ, और मेरे शरीर में भी बीमारियां होती रहती है, एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ना मैं अपने रिश्तों से खुश हूँ, ना अपने परिवार से खुश हूँ, ना अपने मन से खुश हूँ, और ना ही अपनी जिंदगी से खुश हूँ। लगता है ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, कोई मतलब ही नहीं जीने का। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ कि तुम्हारे इन सारे दुखों का क्या कारण है। तो वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि मैं आपके पास इसीलिए तो आया हूँ कि आप बताओ मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं? इन सबका क्या कारण है? महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, विचार करो, देखो कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुख का। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो बुद्ध ने उसे उत्तर दिया कि तेरे सारे दुखों का कारण तू ही है, तेरे मन की आसक्ति है, तेरे मन का मोह है। बुद्धा का एक प्रसिद्ध कोट है जो आपने भी सुना होगा, द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। आपके सारे दुखों का कारण आपका मोह है, आपके मन का अटैचमेंट है, आसक्ति है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मैं समझा नहीं कि मेरे मन का मोह हर दुख का कारण कैसे हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे तीन छोटी छोटी कहानियां सुनाई। पहली कहानी, एक व्यक्ति पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तो वहां से एक गुरु और शिष्य गुजरे। उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, इस आदमी की मदद करनी चाहिए, ये इस पेड़ से चिपक गया है, इसे छुड़ाना चाहिए। तो उसके गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो वो शिष्य हैरान होकर पूछने लगा कि ऐसा क्या है कि इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो गुरु ने कहा कि इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है, और जिस इंसान ने खुद किसी चीज को पकड़ा हुआ है, उसे कौन छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है। ऐसे ही बुद्ध ने कहा कि तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा है कि ये मेरा है, ये छूट ना जाए, ये मेरे पास रहना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, और तेरे सारे दुखों का कारण ये मैं और मेरे का बंधन है। फिर बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई कि जैसे एक मकड़ी, वो खुद ही जाला बुनती है, और जाला बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि वो उस जाले में खुद ही फंस जाती है, वो चाह कर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही तूने भी अपनी जिंदगी में कितने ही रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है, और उनमें मोह रखने के कारण आज वो तुझे दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमें दुख सुख नहीं होता है। हमें दुख सुख कब होता है? जब हमारे अपने के साथ कुछ होता है, या हमारा अपना हमारे साथ कुछ करता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाई कि शहद से भरे एक पात्र में एक उड़ती हुई मक्खी घुस जाती है। उस शहद के मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है, वो बहुत प्रसन्न होती रहती है, और अगर वो चाहे तो थोड़ा सा शहद का रस लेकर के वहां से उड़ सकती है, लेकिन वो उस रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वो वहां से उड़ना ही नहीं चाहती, और उस रस को लेते लेते उसके पंख उसी शहद में फंस जाते हैं। फिर जब तक उसका पेट भरता है, वो बुरी तरह से उस शहद में फंस जाती है। फिर वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, पर वो वहां से उड़ नहीं पाती है, वो फंस जाती है उसी में ही। ऐसे ही तूने भी अपनी जिंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख लिया, शुरू शुरू में तो तुझे बहुत सुख आया, और आज वही रिश्ते तुझे दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति जब स्वास्थ्य की परवाह ना करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लगता है, तो आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में रोग आ जाते हैं। ऐसे ही जब मन संसार की बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं और वासनाएं कर लेता है,
तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है और फिर चाहे उसे कितना भी धन मिलता रहे, उसकी तृप्ति कभी भी नहीं होती। वो हमेशा धन से अतृप्त रहता है और फिर इससे उसके मन में दुख का जन्म होता है। फिर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही वजह है मेरे सारे दुखों की। मेरे सारे दुख मेरी ही वजह से पैदा हुए हैं, मेरे ही मन के मोह से, अटैचमेंट से पैदा हुए हैं। फिर उसने महात्मा बुद्ध से दूसरा प्रश्न किया कि आपने मुझे कारण तो बता दिया, अब मुझे इसका उपाय भी बताइए। महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासनाओं से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया, उसके मन से मोह और वासनाओं से जन्मे हुए दुख का सारा अंधकार ही दूर हो जाता है। हालांकि ये बात कहने में बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को समझ गया ना, वो सारे दुखों से पार हो जाएगा। यही कहानी हमारे भी जीवन की है। हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं और बाद में खुद ही रोते रहते हैं। हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं और बाद में खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मेरा करके मरते रहते हैं, आखिर में वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं। जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, आखिर में वही हमारे जीवन में दुखों का अंधकार भर देते हैं। चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारे मित्र हो, हमारी संतान हो या कोई भी रिश्ता हो, जहां पे भी हमने मन के मोह के, आसक्ति के, अटैचमेंट के धागे बांध रखे हैं, आप गौर करना, आपके जीवन में सारा दुख वहीं से आ रहा है। तो जो उपाय महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मोह और वासनाओं को त्याग करके अपने हृदय में प्रेम और संतोष को भर दो, इस छोटे से उपदेश को अगर हम भी अपनी जिंदगी में उतार लें तो विश्वास रखना, हम जिंदगी के सारे दुखों से अवश्य पार हो जाएंगे।